जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है प्रभु श्री राम का एक तरह से जन्मदिन ही मान लो, क्योंकि भाई 500 साल बाद में उन्होंने वनवास काट के अपने अयोध्या नगरी में लौटे हैं। तो उस खुशी में पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। तो फिर हम भला पीछे रहने वाले क्यों हैं। मेरी माता जी ने भी दीपक लेके आई और दिए जलाने के लिए, भैया दीपकों के अंदर क्या डाल रही है, घी। और इधर मैं अपनी रेकार्डोन चपरी को क्या दिया मैंने, मूंगफली सेकने के लिए, लेकिन बोली बाद में सेकूंगी। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला पहले दीपक जला के आ। ठीक है भैया, हम लेके चलते हैं सीधे दीपक को पूजा रूम के अंदर, बिकॉज हमने प्रभु श्री राम को स्थापित कहाँ कर रखा है, पूजा रूम के अंदर। तो सबसे पहले पूजा रूम के अंदर चलते हैं और वहाँ पर पहले पांच दीपक यानी पंच तत्वों के समान पंच पीर जो होते हैं, कहते हैं ना पंच पटेल जो होते हैं, उसी तरीके से पंच तत्वों के समान ही पांच दिए जलाए जाते हैं। तो ये रेखा दो को यहाँ पे दीपक जलाने के लिए बैठ गई, लेकिन भैया पीछे से मम्मी भी आ गई थी। लेकिन मैंने पहले क्या किया कि पाँचों को हमारी चौकी के ऊपर रख दिया मैंने, पांचों जो दिए थे ना उनको। लेकिन मम्मी ने पीछे से आकर कहा कि भैया ये जो दीपक है ना, इन दीपकों को आप चौकी की जो चौकी है उसके ऊपर मत रखो, उनको रखो आप जहाँ पे आप भोग लगाओगे ना श्री राम जी के, वहाँ पे। तो मैंने ये काम रेखा को सौंपा, तो रेखा डोन अपने काम में लग गई। लेकिन पीछे से मम्मी अब चुप ही नहीं हो रही थी। मम्मी कह रही थी कि बेटा इसको सही तरीके से सेट कर ले, वरना तू फिर गया काम से देख ली हो। मैंने कहा भाई माता श्री लगा दूंगा मैं अपने जुगाड़ से, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रभु श्री राम की फ़ोटो है, इसके नीचे ही लगाऊंगा, यू डोंट वरी। तो भैया फिर क्या हुआ, मैंने भैया नीचे इधर रखा और रेकॉर्डर उधर से उठा उठा के उनके ऊपर उनको जलाने के लिए तैयार हो गई। और फिर अचानक मैं गार्डन में याद आया कि गार्डन से मुझे माला भी बनानी है, तो भैया सीधा पहुंच गया गार्डन के अंदर और वहां से डायरेक्ट पेड़ के से तोड़ तोड़ के मैंने माला बनाना शुरू कर दी। तो भाई धागा इतना लंबा था कि भैंस की टांग, माला उलझ गई यार मेरी। लेकिन करूँ क्या, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। लेकिन फिर भी कोशिश करी मैंने, धागे को सुलझाया और माला बनी बहुत ही गजब की। तो सबसे पहले मैंने पीले पीले फूल जो होते हैं मोगरे के, गेंदे का फूल है जिसको हम हजारा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हजारा या फिर गेंदे का फूल बोल लो अब तो। तो मेरे को पीला कलर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज प्रभु श्री राम यानी कि विष्णु भगवान को पीताम्बर या पीले वस्त्र भी पसंद हैं, तो इसी वजह से मैंने पीले फूलों की माला बनानी ज़्यादा बेहद शुभ मानी। और उसके बाद ये देखो भाई जो केसरिया कलर, केसरिया नहीं सुराई, अपना जो क्या बोलते हैं यार सनातनी कर्म कलर जो होता है ना, वो उस कलर के जो गेंदे के फूल थे उन दोनों को मिक्स करके माला बनाई। तो एक माला मैंने श्री राम जी को चढ़ाई और एक माला मैंने बजरंग बली को चढ़ाई। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पांचों दीपक को जला के रेडी कर लिए हैं मैंने। इस जो बोलते हैं उसको आग के अंगेरे होते हैं, उनके ऊपर भोग देना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब हम देवी देवताओं के भोग तो इसी प्रकार से देते हैं। आपके किस प्रकार से देते हैं तो आप कमेंट करके बता देना, बाकी हमारे तो इसी तरह से देते हैं भाई। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे अच्छा भोग होता है, सबसे अच्छी मिठाई है चावल, मीठे चावल, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य होता है तब चावल ही बनता है। दिवाली के दिन भी माँ लक्ष्मी को चावल का भोग ही लगता है। तो एक तरह से देखा जाए तो राम जी वापस फिर से अयोध्या आए हैं, तो इस शुभ अवसर पर चावल का भोग लगना तो अनिवार्य था। वैसे लोग मिठाइयों का और कई प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, लेकिन मान्यता जो है सनातन धर्म के अंदर, जब भी कोई मंगलमय कार्य होता है, शुभ काम होता है, तो उसके अंदर चावल बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं और चावल ही शुभ होते हैं। तो मैं प्रभु श्री राम से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि हे प्रभु आप इस कंडों पर आइए, विराजमान होइए और भोग को इस गरीब की झोपड़ी से जो आपको मिले दाने उनको ग्रहण कीजिए। यह देखिए पंचमुखी हनुमान जी को मैंने माला पहनाई और प्रभु श्री राम को भी माला पहना दी थी अच्छी तरीके से। तो भैया थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा लेकिन प्रभु श्री राम तो आ ही नहीं रहे थे। मैं परेशान हो गया, लेकिन कर भी तो क्या सकता था, वो प्रभु हैं, पूरे संसार के अंदर जाना था उन्हें आज, बहुत बिजी थे ना। तो
बिजी शेड्यूल होने की वजह से थोड़ी लेट हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, प्रभु श्री राम मेरे घर आए। तो बोल दो एक बार जय श्री राम। मैंने आहुतियाँ लगातार क्योंकि प्रथम जो भोग लगता है वो घी का लगता है, तो घी का भोग तो पहले ही लग चुका था, और उसके बाद प्रभु श्री राम भी हमारे घर पर आ गए और मैंने भोग भी लगा दिया, और उसके पश्चात जब भोग पक के तैयार हो गया तो मैंने उनको क्या बोलते हैं उसको, हमारी लोकल लैंग्वेज में चलू बनाना बोलते हैं इसको, तो जल से उनको एक तरह से हम कुल्ला करवाते हैं, ताकि खाने के बाद पानी का भी तो अर्पण किया जाता है ना, तो बस वैसे ही था।